वेलकम बैक। और चलिए शुरू करते हैं, पहले इंट्रोडक्शन तो दे देते हैं। यह है तारिक। यह तन्वीर अहमद। तो चलिए, आप लोग को जैसे ही पता है, भुवन बम जो है वो बहुत बड़े यूट्यूबर है, और हम उन्हें थैंक्स बोलते हैं कि हमें मौका दिया है ताकि आप लोग को रिएक्शन वीडियो शो कर पाए। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं रिएक्शन वीडियो। और हाँ, उससे एक पहली बात है, आप लोग को एक इम्पोर्टेंट बात बताना। इम्पोर्टेंट बात यह है, वीडियो देखने से पहले आप लोग ये वीडियो यूट्यूब मतलब भुवन बम का जो वीवी की वाइंस है वहाँ से देख लीजिए चीज़ें। उसके बाद आप लोग रिएक्शन देखिए तो ज़्यादा बेटर लगेगा, आप लोगों को मज़ा आएगा कि हाँ यहाँ पर ये रिएक्शन था, ये रिएक्शन था। और एक बात, जाने से पहले, नहीं सॉरी, स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब जो बटन है उसको दबाइए यार। आप लोग का उंगली थक गया क्या? आप लोग उंगली थक गया? नहीं ना, दबाइए दबाइए, जितना हो सके दबाइए, 4 बार, 5 बार, 6 बार। अरे उसका रंग बदल दीजिए, मार मार के लाल से ग्रे कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो स्टार्ट करो। गुल्लू, अरे कोई अता पता नहीं है जीजा जी का, बहुत टेंशन है यार। ओ तुम चिंता मत करो, उम्मीद है मिल जाएंगे जल्द से जल्द। ना चांस ही नहीं है। दीदी तो बेचारी रोज मेन गेट पे खड़े रह के उनकी राह देखती रहती है, लेकिन मैं तो पीछे के दरवाजे से आऊंगा चुपके से। कुछ पता चले तो बताना, मुझे पता चल गया। सुन बे चोदू मल, डिनर बात चल रही है, हवस का नंगा नाच करना तो बाहर जाके कर। हाँ कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा गुल्लू। हाँ ओके, खुदा हाफिज। मैंने दूसरे अंकल के लिए तरीके से ऑबिचुरी लिखी है, पेपर में प्रिंट होगा तो ज्यादा लोग आएंगे। इन लविंग मेमोरी ऑफ माय फादर, कहाँ गए आप किसी को पता नहीं। यहाँ मम्मी की आंखें रो रो के फूज गई, और आप वहां पता नहीं क्या क्या फुजा रहे हो। घर में रोशनी की लौ बुझ गई, लेकिन आप वहां हवस की आग बुझा रहे हो। हो सके तो लौट आना, पर किसी लेडी बॉय से मत मरवा। पापा जिंदा है और एकदम ठीक है। अगर पापा का आज रात तक कुछ पता नहीं चला तो मैं बैंकॉक निकल लूंगा। मैं भी भाई सोच रहा था तू और मैं चलेंगे बैंकॉक, एक एक गली छान मारेंगे और जीजा जी को लेके आएंगे। मैं भी चलूंगा, बैंकॉक से मेरा पुराना रिश्ता है। ठीक है फिर, तीनों की टिकट बुक करा देता हूँ, मैं भी चलूंगा। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा नहीं है, जो चारों जाके वहाँ टोमेटिनो फेस्टिवल में चिकनी लड़कियों के बदन पर टमाटर फोड़ेंगे। जीजा जी को ढूंढने जाना बहुत सीरियस मिशन है। मैं जरा अपनी वाली को फोन करके बता देता हूँ, नहीं तो मेरे नाम का सर थोड़ा निकाल देगी। आप कविता सुनो, वो मुझे आने में 2-3 दिन और लग जाएंगे। तुम्हारे लिए वो कढ़ी चावल बना के गया था, खा लिए थे? बहुत मिस कर रहा हूँ तुमको। शादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे अपने हाथ की जरूरत पड़ी। कल रात को जो फोटो भेजी थी देखी क्या? अरे कोई नेवला झाड़ी में से नहीं झांक रहा था, मैंने ट्रिम नहीं किया काफी थी। वो तो छोड़ो, मैं शाम को बैंकॉक जा रहा हूँ, वहां से तुम्हें कुछ चाहिए? मेरे हो तो ऐसा गिफ्ट। बाय। मामा पैकिंग कर दे शुरू। हाँ बेटा ज्यादा सामान पैक मत करिए, छोटा सा बैग रख ले बस। और तू फटाफट कैब बुक कर दे, और तू एक जीजा जी की फोटो भी रख ले साथ में, ठीक? और दीदी को संभालने की जिम्मेदारी तेरी। किसकी? मेरी। अपने घर जाने की जरूरत नहीं है, जो जो जरूरी सामान है वो यहाँ लेके आ जाओ। जरूरी सामान से मेरा मतलब लड़की नहीं है। अगर हमें जीजा जी पहले मिल जाते तो तेरी माँ को फोन करके बता देंगे, ठीक है? अगर हमारे जाने के बाद जीजा जी घर आ गए तो तू तुरंत मुझे बताएगा, ठीक है? और जीजा जी, अगर आपको जीजा जी मिल जाते तो आप मुझे बता देना, ठीक है? और जीजा जी दीदी तो 2 दिन से बस सावधान इंडिया के रिपीट टेलीकास्ट देख के डर रही है। 2 बार तो मुझे शक्की निगाहों से देखने लगी। सुबह सुबह खड़ी रहती थी मेन गेट पे तुम्हारी राह देखते हुए, अखबार वाले को लगता था उससे खड़ी है, भूतनी का शर्माते हुए पेपर डाल के जाता था। अरे कोई जिम्मेदारी बनती नहीं बनती तुम्हारी, एक बार फोन कर देते। किया तो था, जब तुझे कॉल किया था तो मेरे फोन में बैटरी बहुत कम हो गई थी। ये गले में क्या हुआ है? कहाँ? ये लव बाइट। वहाँ के मच्छर ना बहुत खून चूसते हैं। बैंकॉक में सर मच्छर नहीं चूसते, मतलब अंकल के ऊपर ट्रिप अच्छा था यार। वहाँ की ना हवा में वो है फर्क ना, ना हवा में काफी एक नंबर कैरेक्टर है, सड़क पर काफी खुशियां है। बोलता है पापा आप जाओ ना, आराम करो ना। बेटा तेरा बाप पक्का कुछ गड़बड़ करके आया है। नहीं मामा क्या पता सच में मॉस्किटो बाइट हो, उस हिसाब से तो तेरी मामी भी मच्छर थी। मैं मॉर्निंग पी हूँ। आपकी लव लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। मैं जब मैं हॉस्टल में रहता था तो मेरे दोस्तों के कमरे में सचिन, गांगुली, अजहरुद्दीन के पोस्टर होते थे, लेकिन तेरी मामी सिर्फ मेरे कमरे में आती थी क्योंकि मेरी दीवार पर राहुल द्रविड़ का फोटो होता था। वो समझ
मिटा देती है, पिच पे लंबा टिकेगा। तेरी भी तो लव लाइफ सही है। दूसरों की लव लाइफ में दिल मिलते हैं पर मेरी लव लाइफ में पलंग हिलते हैं। हाँ बुल्लू पहली डेट से 25 तक है मेरी दिहाड़ी, कर लो सारे जिंगल जिंगल। बहुत टैलेंट है, एक नंबर टैलेंट है। मेरी क्रिसमस अरे इतना नया नया बनाना कम बड़ी बात नहीं होता है। साल हरामी पने में पीएचडी कर ली। आपको कैसे पता, आप तो साल में एक बार आते हो बेंच। लेकिन खबर सारी रहती है, तुमने इस साल अपने बाप से 500 बार झूठ बोला है और तुमने तो इस साल 800 बार मेकआउट किया है। अपने हाथ के साथ ऑन एन एवरेज दिन में 2 बार हिलाता है, इतना हिला है क्या? फटाफट मांग लो जो मांगना है। तुम्हारे मोहल्ले के बच्चे मेरी बुलेट में से पेट्रोल निकाल लेते हैं, पिछली बार भी आईएसबीटी बस लेकर जाना पड़ा था। हर मंदिर में मैं जो चॉकलेटी बॉयज पसंद है तो मुझे चॉकलेटी बॉय बना दो। मैंने इस साल बहुत झूठ बोला है ना, अब मेरे मुंह से सिर्फ सच ही निकले। इनफैक्ट अब इस घर में सब लोग सच बोले। As you wish, see you बच्चो। अस्तुलो विस्तुलो मुड़की न सादी तुम्हारी माँ दी जेओ। मैं चुप है गाइस। और ये किसने रखा? मत खा बेंचो, मैं हूँ। वो बुड्ढे ने मुझे सच में चॉकलेटी बॉय बना दिया। और बेटा क्या किया इतने दिन? अरे बहुत रोया है, प्रिया को घर लाता था, सब लोग के सो जाने के बाद उसको चुपके से पीछे के दरवाजे से अंदर ले आता था। ये क्या बोल रहे? उसको छोड़ो, ये बताओ ये किसने काटा? काटा किसी ने नहीं, वो पार्टी के बाद मिस्टर होला ने इंजेक्शन मार दिया था। कौन सा इंजेक्शन? बेहोशी का। तो पहले क्यों झूठ बोला? मुझे तो उस रात के बाद कुछ याद ही नहीं था, लेकिन पता नहीं अब अचानक मुंह से क्या क्या निकल रहा है। बेटा ये क्या बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं। और बहुत ही जबरदस्त लगा, आप लोग को भी पसंद आया होगा है ना। अरे इसे भी आप लोग को मतलब क्या ही बताऊं, भुवन बम जो है इतना टैलेंटेड, बहुत ही टैलेंटेड, मतलब हर एक वीडियो में अलग अलग कॉन्सेप्ट से अलग अलग क्रिएटिविटी दिखाते हैं। मतलब इनका शो बहुत ही मतलब यूनिक है। हाँ यूनिक है। हाँ, अलग तरीके से सोचते हैं। है भाई इतना अच्छा कंटेंट बना, आजकल की दुनिया में आप लोगों को पता ही है जैसे कि बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन है और इस दौर में भी इतना स्ट्रेसफुल का जिंदगी और इतना मस्त, इसको कोई देखे ना रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स हो जाएगा, बहुत इंजॉय करता हूँ और आप लोग भी तो बहुत इंजॉय करते हैं। लोग ऐसे ही भुवन बाम जी को कहते हैं जी, भुवन बाम भाई, वो सबके भाई है ना। चलो तो आप लोग को तो वीडियो पसंद आया है हमें पता है, और अगर आया है तो वो जो प्यार दिखाने वाला जो होता है ना, हाँ वही सब्सक्राइब वाला, उसको दबाओ। और एक बात, और आप लोग को अगर नया नया फिर से वीडियो चाहिए तो जो घंटी है उसके भी टन इसका से बजाओ ताकि हमारा वीडियो आपको एकदम पहले आ पाए। और सॉरी और थोड़ा सा तबीयत ये हो गया था तो कोई बात नहीं। तो और आप लोग को किस टाइप का रिएक्शन वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट पे जरूर बताइए। अरे तुम कुछ बोलो। और क्या बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करो, फॉलो करें और बेल दबा दो। थैंक यू। चलो।